देखो एक कुत्ते की पूंछ को क्यों काट दिया जाता है, जबकि कुत्ते तो पूंछ से सिर्फ अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो फिर इनकी खूबसूरत पूंछ को काट के इन्हें इतना दर्द क्यों दिया जाता है। दरअसल जो कुत्ते बहुत आक्रामक होते हैं और जिन कुत्तों को प्रोफेशनल पर्पस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ उन्ही कुत्तों की पूंछ पैदा होने के कुछ दिनों बाद काट दी जाती है, ताकि दौड़ते समय इनकी स्पीड बढ़े और लड़ाई के समय इनकी पूंछ की वजह से ये किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। फैक्ट नंबर 2, सभी स्तनधारी जीवों में जायंट एंटीएटर की जीभ सबसे लंबी होती है, जो कि करीब 2 फीट तक लंबी हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि एक मुर्गी एक साल में लगभग 260 अंडे देती है। फैक्ट नंबर 4, गिलहरियों में लाल रंग को देखने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए वो लाल रंग को नहीं देख सकती। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों यह है ऑस्प्रे, जिसे पानी वाला बाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये पक्षी उड़ान तो आसमान में ही भरता है लेकिन लैंड हमेशा पानी में करता है। ऑस्प्रे शिकार करने के लिए अपने शिकार के ऊपर बहुत तेजी से पानी में झपट्टा मारता है, और ये शिकारी पानी के अंदर इतनी स्पीड से घुसता है कि सिर्फ पानी की सतह से ही नहीं बल्कि पानी के भीतर कई मीटर की गहराई से भी मछली को निकाल लाता है, और फिर अपने शिकार को लेकर आसमान की तरफ बहुत तेजी से उड़ जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि पाकू फिश एक ऐसी मछली है जिसके दांत बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। फैक्ट नंबर 3, मेंढक खाना निगलते हुए अपनी आँखों को हमेशा बंद करते हैं, क्योंकि खाना निगलने के लिए मेंढक के आँखों की मांसपेशियों पर जोर लगता है, इसीलिए ये आँखों को खोलकर खाना नहीं निगल सकते। वैसे क्या आपके घर में कभी मेंढक घुसा है कमेंट करके जरूर बताना। सांप के जहर की एक बूंद इंसान को मौत की नींद सुला सकती है, तो वही सांप के जहर की एक बूंद इंसान की जिंदगी भी बचा सकती है, लेकिन कैसे। दरअसल दोस्तों दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी सांप के जहर के रहमोकरम पर पल रही है, क्योंकि डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों की दवाइयों में सांपों का जहर भी शामिल होता है। यहाँ तक कि ब्लैक मांबा से लेकर किंग कोबरा तक सभी जहरीले सांप इंसानों के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इनके काटने पर लोगों को लगाया जाने वाला एंटीडोट भी इन्हीं के जहर से बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि बिच्छू 6 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है और ये बिना भोजन किए पूरे साल जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 3, छिपकली से लगने वाले डर को हेरपेटोफोबिया कहते हैं। वैसे क्या आपको छिपकली से डर लगता है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों पेलिकन एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी चोंच के दम पर किसी भी जानवर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्या पेलिकन एक कछुए का शिकार कर पाएगा। देखो जब पेलिकन ने कछुए का शिकार करने की कोशिश की तो कछुए ने उल्टा उसी की चोंच को दबोच लिया, जिससे पेलिकन की चोंच की थैली फट गई और उसे वहां से भागना पड़ा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जुगनू एक ऐसा जीव है जो बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 3, पक्षियों को अपना भोजन निगलने के लिए ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 4, एक गिरगिट की जीभ उसके शरीर जितनी लंबी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है, जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। फैक्ट नंबर 6, 1972 तक शेर भारत का नेशनल एनिमल था, इसके बाद टाइगर को नेशनल एनिमल बना दिया गया। वैसे आपकी कंट्री का नेशनल एनिमल कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों यह है वुडपेकर बर्ड, जो कि सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार चोंच मारकर पेड़ में छेद कर देता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी तेज चोंच मारने पर वुडपेकर का भेजा फट क्यों नहीं जाता, क्योंकि इतनी तेजी से चोंच मारने पर इसके ऊपर 1400 G फोर्स लगता है, और ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इससे 14 इंसानों की मौत हो सकती है। दरअसल वुडपेकर का भेजा इसलिए नहीं फटता क्योंकि इनकी जीभ बहुत लंबी होती है, जो कि खोपड़ी के पीछे से होते हुए इनकी आंखों तक जाती है, और जब वुडपेकर पेड़ से टकराते हैं तो इनकी जीभ ब्रेन के फोर्स को एब्सॉर्ब कर लेती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक छोटा सा कीट होने के बाद भी तितली 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। फैक्ट नंबर 3, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट बिना पानी पिए 20 दिन तक जिंदा रह सकता है, और ऊँट प्यास लगने पर एक बार में 100 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है। वैसे क्या आपने कभी ऊँट की सवारी की है कमेंट करके जरूर बताना।